छात्रों की सरकार हाय 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 शासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा किसान विरोधी सरकार नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी देखिए ये बिहार विधानसभा का नजारा है। बिहार विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है और आज देखिए किस तरह से विपक्ष किसानों के मसले को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए ये आरजेडी के सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और सीपीआईएमएल के लोग मौजूद हैं। क्या है मुद्दा? देखिए किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है और ये मुद्दा पूरे देश का है और बिहार में तो और बेरोजगारी बढ़ी हुई है और यहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। धान की खरीदगी जो है औने पौने भाव में किया जा रहा है और बिचौलिया से सरकार मिली हुई है और बिचौलिया के माध्यम से कम भाव में धान खरीदा जा रहा है। हरियाणा पंजाब के जो किसानों का प्रदर्शन है उसके पक्ष में है? निश्चित रूप से किसानों के सवाल पर चाहे कोई दल आंदोलन करे हम उसके साथ हैं और किसान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बिहार में भी ऐसा आने वाले दिनों में आंदोलन हो सकता है? निश्चित रूप से सदन के बाहर में हमारा अब लड़ाई रहेगा सड़कों पर और जो सरकार ने वादे किए हैं अब वादे पूरा नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर लड़ाई और जिहाद छेड़ने का काम करेंगे। देखिए कुछ किसानों की जो मांग है, जो समस्या है, जिसको लेकर हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलित हैं, दिल्ली पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसका असर बिहार में भी दिख रहा है और बिहार में विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद दिख रहा है किसानों के पक्ष में। और देखिए किस तरह से यहाँ पर विपक्ष के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये ठीक नहीं है जो कुछ हो रहा है। क्या क्या मांग है? केंद्रीय सरकार ने जो 3 कृषि बिल बनाया है और इन बिलों को वापस लेने की हम लोग मांग करते हैं और इन बिलों के आने से किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना दिया जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद्यान्न द्रव्य जो है धान चावल आटा आलू प्याज वगैरह जो इस जमाखोरी नहीं करना है, जमाखोरी एक अपराध है, जमाखोरी करने की छूट दी गई है, इस तरह से महंगाई और बढ़ेगी। सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है, विपक्ष जो है किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से आज देखते हैं पूरे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और सड़क पर उतर गए हैं किसान और ये संघीय ढांचा पर हमला करते हैं। कृषि राज्य के दायरे में आने वाला मामला है और आवश्यक वस्तु अधिनियम भी राज्य के दायरे में आने वाला मामला है, भूमि संबंधी जितनी चीज़ें हैं राज्य के दायरे में आने वाला मामला है। इस राज्य के दायरे में आने वाले मामलों के खिलाफ भी कानून बना के नरेंद्र मोदी संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं और जिस तरह से आप देखते हैं कि एक देश एक चुनाव ये भी संघीय ढांचे पर हमला है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है मौसम में अलग अलग परिस्थिति की में अलग अलग आर्थिक उसका सामाजिक और भौगोलिक कारण होते हैं, इसलिए एक देश में एक चुनाव बिल्कुल संघीय ढांचे पर हमला है और आज किसान पूरा देश का किसान सड़क पर उतर गए हैं। हम किसानों के पक्ष में बिहार विधानसभा से मांग करते हैं कि ये तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग करें और निरस्त करें और बिहार में इसके लागू नहीं किया जाए। दिल्ली में ही केवल हंगामा नहीं है, दिल्ली पर ही किसानों ने चढ़ाई नहीं की है, बिहार में भी उसका असर दिखने लगा है और देखिए विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं बिहार विधानसभा में सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा की तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से विपक्ष के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। तो देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, देखिए बीजेपी के खिलाफ किस तरह से दूसरा मुद्दा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दो, बेरोजगारी का हब बने बिहार, क्योंकि चुनाव में बीजेपी ने ऐलान किया था कि 19 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करेगी सरकार, तो अब सरकार एनडीए की बन गई है। और देखिए ये विपक्ष के विधायक मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था चुनाव में उसको पूरा करिए और 19 लाख रोजगार का सृजन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि जो आंदोलन शुरू हुआ है पंजाब और हरियाणा में उसका असर पूरे देश में अब दिखने लगा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।